एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो भिक्षा बुढ़िया रहती थी, उसका एक लौता बेटा था। उसकी शादी हो गई लेकिन उसका बेटा का कोई पुत्र नहीं हो रहा था। लगभग 12-13 साल हो गए। वो बड़ी शिव भक्त थी, बड़ी श्री कृष्ण की भक्त थी, रोज पूजा पाठ करती थी। पड़ोसी के घर 1-2 साल के बाद आस पास पड़ोस में सबके घर बच्चे नाती पोते हो गए। लेकिन वो बुढ़िया 15 साल हो गया, वो बड़ी दुखी रहने लगी। मैं रोज शंकर जी में जल चढ़ाती हूँ, रोज कृष्ण जी की पूजा करती हूँ, लेकिन 15 साल हो गए मेरे बेटे को कोई संतान नहीं हो रहा है, क्या मैं ऐसी मर जाऊंगा। दादा को अपने पुत्र से ज्यादा अपने पोतों पोतियों पर प्रेम आता है, मूल से ज्यादा ब्याज पे प्रेम रहता है। वो बेचारी चाहती थी कि मरने से पहले कोई एक आध पोता हो जाए, पोती हो जाए, ऐसे उनके मन में भाव था। अब वो रोज पूजा पाठ, कोई भी आए भागवत कथा बोले, कोई शिव महापुराण बोले, जो भी पंडित जैसे भी बोलते थे हर कार्य करते थे, मेरे घर भगवान की कृपा हो जाए। लेकिन कहते हैं 15 साल बीत गए। एक दिन एक संत पधारे, सुबह सुबह का समय था, वो पोता लगा रही थी, है ना, पोतनी में पोता लगा रही थी। और जैसे ही पोत रही थी तो कहते हैं उसी समय एक संत आए और संत ने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। संत ने जब इस प्रकार कहा, और जो मुझको भिक्षा देगा, जो मुझको जो देगा, जो भिक्षा में जो मुझको दान करेगा, और वो उसकी मैं सभी मनोकामना पूर्ण करूंगा, और जो मैं कहता हूं वो पूरा होता है, ऐसा वो संत बोल रहे थे। वो बिचारी परेशान हो गई थी, गुस्सा आया, और कहते हैं पोतते पोतते ये पंडित लोग, ये बाबा लोग कहते ही रहते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा लग गया, बहुत पूजा पाठ मैंने करा लिया, ना जाने फिर कोई पाखंडी आ गया, कोई बाबा आ गया। ऐसा गुस्सा में उस पोतनी को उठा के फेंका जी, फटाक से उस बाबा को मारा, छाती में लग गया। और जैसे छाती में पोता लगा, तो जैसे पोता को देखा उसी समय वो संत के आंख से आंसू निकल गया। और वो संत कहने लगे, चलो बात कोई बात नहीं माता, आज आपने मुझको पोता दिया है, और मैंने कहा था कि जो मुझको जो कुछ देगा मैं उसको वैसा ही लौटाऊंगा। तो आज संत माधवदास कहते हैं, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर मिला है तो जा पोता तुझे मिलेगा, जा पोता तुझे मिलेगा। माता आपने मुझको पोता मारा है और पोता दिया है, तो जा मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरे आराध्य से विनती करता हूँ कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, इनके घर साल भर के अंदर पोता हो जाए। ऐसा कह करके वो संत चले जाते हैं। संत चले जाते हैं, उसकी बात को गंभीरता सुनने लिया नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी बहू गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद एक बेटे को जन्म दिया। और जब बेटे को जन्म दिया तब उस बुढ़िया को आत्मग्लानी हुआ, ओ मेरे घर को सिद्ध पुरुष पधारे थे और मैंने उनको पाखंडी समझ करके पोता मैंने मार दिया। और वो बड़ी दुखी होने लगी और कहते हैं उस संत के खोज में चली गई कि माफी मांगने के लिए, प्रश्न करने के लिए। और जैसे किसी को पता पूछा कि एक बाबा जी आते थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, उनकी दिव्य तेज उनका स्वरूप था, तो बोले ये आश्रम में रहते हैं। वो तुरंत आश्रम चली गई, और जैसे आश्रम में चली गई तो वहाँ 1-2 शिष्य बैठे हुए थे। शिष्यों से पूछा, भाई एक बाबा थे दाढ़ी वाले, ऐसा ऐसा उनका वेश था, वो कहाँ गए? तो शिष्यों ने कहा, माता एक गांव में कोई बूढ़ी औरत थी, उसने हमारे गुरुजी को 1 साल पहले पोता मार दिया, और पोता मार दिया, वो तो बड़े स्वाभिमानी महाराज थे, और पोता मार दिया तो वो दुखी होकर के इस गांव को छोड़ के चले गए, और वो तो हिमालय की कंदराओं की ओर चले गए हैं, अब वापस आने वाले नहीं है। उस बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ जी, और मन में सोचने लगी, ओ हो पोता दियो न प्रेम से और रस बस दीन हो मार, ऐसे पुण्य न हो सकी मेरा पोता कीर्तदार। ओ हो, उसको गुस्से से मैंने पोता मारा तो उन्होंने मुझको पोता दे दिया, अरे काश मैं उस समय हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी दान करती तो आज मेरे घर
ध्रुव और प्रहलाद जैसा पुत्र होता। और कहते हैं आत्मग्लानी करने लगी, तो कहने का तात्पर्य है संत ने जो कह दिया तो कह दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी ममरति कथा प्रसंगा।